She stuck inside my mental. She got a a body like a temple. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज सो वापस मैं आ गई हूँ एक सेल्फ केयर वीडियो के साथ इस वीडियो में हम बहुत सी अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में मुझे नहीं लगता कि अब तक मैंने बात की होगी और आई थिंक आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा वीडियो सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट सो वी हैव लॉट्स ऑफ़ फ्रेश फ्रेश करी पत्ता और ये कुछ मैंने तोड़ लिए हैं इनसे आज हम बनाएंगे एक हेयर टोनर सो so, सबसे पहले ना मैंने पानी को बहुत अच्छे से बॉयल कर लिया है यहाँ पे मैं फ़िल्टर्ड वाटर यूज़ कर रही हूँ आप लोगों को जो भी पानी ठीक लगे आप यूज़ करना वहाँ पे मैं फ्रेश तोड़ के लाए हुए करी पत्ता उन्हें डालूँगी करी पत्ता बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशस है इफ़ यू हैविंग ई चीज और अगर आपको पॉल्यूशन की वजह से या किसी भी केमिकल बिल्डअप की वजह से ई स्कैल्प का सामना करना पड़ रहा है तो करी uh, लीव्स वहाँ पर बहुत ही अच्छा काम करते हैं उस पर मैं डालूँगी कलौजी सीड्स ये भी एक बहुत ही अच्छा इन्ग्रीडियंट uh, है आपके बालों के लिए अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है अगर आपके बालथीन होते चले जा रहे हैं या फिर uh, आपको थोड़े से ना हेयर ग्रोथ को प्रोमोट करना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं मैं जब भी इसे बनाती हूँ फ्रेश फ्रेश बना ही यूज़ करना प्रेफर बॉटल वगैरह में भी आप इसे स्टोर करके रख सकते हो पर मुझे इसे फ्रेश यूज़ करना पसंद है इसे मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था उसके बाद यहाँ पे मैंने कॉटन लिया है कॉटन ध्यान रखिएगा कि साफ़ कॉटन हो उसके बाद हम अच्छे से बालों में इसे पार्टिंग कर करके धीरे धीरे बालों की जड़ों में लगाएंगे ये यू नो स्टैंड पर लगाने के लिए है नहीं इसे आपको जड़ों में ही अच्छे से मसाज कर करके थोड़ा टाइम लेकर लगाना है She's stuck inside my mentor She got a body like a temple Even though she drives me crazy I tell everyone that's my baby She's pretty like a 4K sunset Blue-eyed baby from the Midwest but So when she your ex मेरी जो स्किन टाइप है वो ड्राई टू नॉर्मल साइड पे है एज सच मुझे एक्ने या पिम्पल या ब्रेकआउट्स का प्रॉब्लम कभी नहीं रहा है पर नाउ क्योंकि हम थर्टी प्लस तो मुझे थोड़े थोड़े एजिंग स्पॉट्स वगैरह नजर आते हैं कभी कभी अपने स्किन में और हाँ अगर आप लोगों ने uh, मेरी स्किन को कभी ध्यान से नज़दीक वाले शॉर्ट्स में नोटिस किया है तो देर आर सम सम्रैकल्स अगर मैं टाइम टू तो टाइम एक्सफोलिएट नहीं करती तो वो बढ़ जाते हैं तो आज हम एक नया एक्सफोलिएटर ट्राई करेंगे मुझे ये ब्रांड की तरफ से आया था नेम एज सिक्स ए एम ग्लो मैं नीचे लिंक दे दूंगी मुझे इस एक्सफोलिएटर की क्वालिटी टॉप नॉच लगी पम्पकिन एक्सट्रैक्ट है इसमें और स्क्वालिन है ना पम्पकिन सीड में जो ऑयल होता है वो एडिबल ऑयल होता है तो प्लीज़ कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें पम्पकिन सीड है उसे यूज़ करने से पहले आपको पैच टेस्ट ज़रूर करना है पम्पकिन सीड ऑयल को आजकल स्किन केयर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये स्किन टोन को इम्प्रूव करता है वनस को हील करता है साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है ये एक एक्सफोलिएट प्लस ब्राइटन प्रोडक्ट है इसे आपको तुरंत एक्सफोलिएट करके वॉश ऑफ नहीं करना फाइव टू सेवन मिनट्स तक इसे आपको अपने स्किन में रखे रहना है स्क्रब करने से पहले अच्छे से फेस वॉश कर सकते हैं आप या तो अगर टाइम की कमी है फेस पे पानी को स्प्रिंकल कर लेना है अच्छे से प्रोडक्ट को ना आंखों से आपको दूर रखना है ठीक है हल्के हाथों से आपको मसाज करना है इसे और उसके बाद थोड़ी देर रखना है उसके बाद आप इसे वॉश कर सकते हो बहुत ही मज़ेदार प्रोडक्ट है जैसे ही आप इसे हाथ में लेकर अपने फेस में मसाज करने लगते हो ना एक हॉट सी यू नो सेंसेशन होती है और और बहुत ही अच्छा फील होता है पम्पकिन सीड्स को आप अपने हाथों में फ़ील कर सकते हो और उन्हें मेल्ट होता हुआ फील कर सकते हो और साथ ही साथ बहुत जेंटल भी है तो फेस पे हमेशा मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं जेंटल स्क्रब यूज़ करूँ सो या आई लव इट आप आफ्टर uh, वॉश देखो एकदम फेस मेरे ऐसा लग रहा है ना कि खेल -खेल सा गया है क्योंकि ये है ही ऐसा प्रोडक्ट एक्सफोलिएट भी करेगा आपकी स्किन को साथ ही साथ ब्राइटन अप भी करेगा सो so, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है नया प्रोडक्ट ट्राई किया मैंने और आई थॉट कि मैं बता दूँ चाय के बदले मतलब चाय में अगर आप थोड़ा सा वैरायटी पसंद करते हो तो आप ना तुलसी टी आप ट्राई कर सकते हो इस मौसम में जबकि मॉनसून है बीमारी चारों तरफ हो रही है मतलब लोगों को काफ कोल्ड का प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं तो घर में इस तरह से तुलसी के पत्ते तोड़ लेती हूँ फ़्रेश फ्रेश तुलसी के पत्ते एकदम घर में उगे हुए कितने बड़े बड़े कितने फ्रेश लग रहे और उसी की मैं चाय बना के पीती हूँ मैं जिंजर टी पीना बहुत पसंद करती हूँ मुझे इस तरह की ना ऑर्गेनिक टी पीने का काफ़ी शौक़ है तो और तुलसी टी में बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ भी है जैसे इन्फ्लैमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं हाई ऑन एंटी है तुलसी टी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियस है इसे लेना आप इसे घर में ना ड्राई करके भी रख सकते हो या फिर अगर आपके घर में फ्रेश फ्रेश मिलता है तो ऑफकोर्स वाई नॉट गाइज uh, मैंने अपने लास्ट वाले ब्लॉग में एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वाला वीडियो शेयर किया था वहाँ तो पर मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया था कि किस तरह मैं अपने फेशियल हेयर को रिमूव करती हूँ अपने आईब्रो के हेयर को किस तरह रिमूव करती हूँ बेसिकली मैं अपने आईब्रो के हेयर्स को रेजर uh, से रिमूव करती हूँ और अपने अपर लिप वाले हेयर्स uh, के लिए मैंने रिसेंटली एक हेयर रिमूवल गैजेट लिया था एमेज़ोन से उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी तो डिटेल में मैंने ब्लॉग शेयर किया था किस तरह स्टेप बाई स्टेप मैंने फेशियल हेयर रिमूवल के रूटीन को अपग्रेड किया है बेसिकली उस वीडियो में मैंने सब कुछ शेयर किया था पर मैं पोस्ट केयर शेयर करना बेसिकली भूल गई थी वैसे मैं पहले भी दूसरे वीडियोज में आप लोगों को बता चुकी हूँ तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ दो बेसिक चीजें शेयर करना चाहती हूँ देखिए एलोवेरा जेल तो सभी के पास होता है एंड दैट्स द लाइक द मोस्ट हैंडी प्रोसेस टू टेक केयर ऑफ योर यू नो द एरिया जहाँ पे आप अपने हेयर्स को रिमूव कर रहे हो चाहे आप अपने पूरे बॉडी पे भी जब आप हेयर रिमूव करते हो वैक्सिंग करते हो वहाँ पे भी आप एलोवेरा जेल लगा सकते हो फेस पे भी आप शेविंग करते वक्त भी एलोवेरा जल लगा सकते हो शेविंग करने के बाद भी एलोवेरा जल लगा सकते हो बहुत ही सूदिंग वाली कोई चीज़ आपको लगानी होती है अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है आप शेव करते हो या वैक्स करते हो आप वहाँ पे ना आइस रब कर सकते हो बहुत सारे लोग शेविंग करने के बाद जलन सा फील करते हैं थोड़ी स्किन में ना बर्निंग सेंसेशन होते हैं या जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनके लिए आप ऑब्वियसली एलोवेरा जल तो है ही साथ ही साथ ये ग्लैमरस का एक प्रोडक्ट है फर्ज ऑफ़ इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बहुत कूलिंग सेंसेशन देता है ये स्किन को बहुत ही अच्छा लगा मुझे मैंने बहुत बार शायद आप लोगों को रिकमेंड किया भी है आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो मैं नीचे लिंक दे दूँगी ग्लैमरस ब्रांड का ये प्रोडक्ट है फर्ज ऑफ़ करके पोस्ट हेयर रिमूवल प्रोडक्ट बहुत कम मार्केट में अवेलेबल है तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एंड दे वॉज अ हाउस फ्लाई विच वॉज लिटरली बॉदरिंग मी कैसे तैसे मैंने इस वीडियो को ख़त्म किया है मुझे ही पता है रेगुलर बेसिस पे हम फेस का ख्याल रखते हैं बॉडी का ख्याल रखते हैं लेकिन अंडर आर्म को हम बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट कर देते हैं सो समर है या मॉनसून हो मुझे स्लीवलेस पहनना बहुत अच्छा लगता है हम शोर sure आप लोगों में से भी शायद बहुत लड़कियों को स्लीवलेस का शौक तो होगा ही so, सो यहाँ पे भी ना पैक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि uh, बहुत सारी चीज़ें हमारे अंडर आर्म में जब जाती है पसीना जमा होता है वहाँ पर सेल्स जमा हो जाते हैं वैक्सिंग करते हैं हम या जो लोग शेव करते हैं यून ने एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो पड़ती ही है तो यहाँ पे मैंने बेसिक सा घर में डी बना लिया है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं आप चेकआउट कर सकते हो आ, उसी डी को मैंने अप्लाई कर लिया है लेकिन उससे पहले ना एक्सफोलिएट किया है मैंने अब किस तरह एक्सफोलिएट किया मैंने अंडर आर्म को उसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट बनाया है आप लोग जाके मैंने शॉर्ट्स वाले सेक्शन पर चेक कर सकते हो अब ये जो डी है ना इसे आप पूरे बॉडी में भी अप्लाई कर सकते हो बेसिकली एक वाइटनिंग डी है कहीं पे भी आप इसे बॉडी में यूज़ करो ये बहुत ही अच्छे से डेड सेल्स वगैरह को रिमूव करता है घर पे किसी भी तरह का डीआईवाई मास्क या पैक बनाना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस ऑफ कोर्स ज़्यादा होती है और वो फ्रेश भी काफ़ी ज़्यादा होता है बॉडी केयर रूटीन में चेंजेस लाना अच्छा होता है क्योंकि उससे पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है आ, मैं बॉडी सोप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ पर ये जो बॉडी सोप मैं यूज़ कर रही हूँ मुझे इस वक्त ब्रांड का नाम नहीं याद आ रहा मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूंगी ये बहुत ज़्यादा माइल्ड है बेसिकली ये बच्चों के लिए है पर मुझे उसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इसका मेन इंग्रेडिएंट है बटर और आमंड तो दोनों चीज़ें स्किन के लिए बहुत नरिशिंग फील होती है दैट्स वाई मैं इसे कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ एंड गाइज़ ऑन दिस नोट आई थिंक मैं इस वीडियो को यही ख़त्म करूँगी uh, आपसे बहुत जल्द मिलूंगी दूसरे वीडियो में तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए अपने स्किन को पैम्पर कीजिए अपने आप को पैम्पर कीजिए और मैं कुछ नए और एक्साइटिंग आइडियाज़ के साथ और कुछ रिफ्रेशिंग रेजिविनेटिंग वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब